हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्टील टैंक के क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। डिजाइन एन एलिवेटेड प्री स्ट्रेस स्टील टैंक कैपेसिटी 1,20,000 लीटर। द टैंक इज सिचुएटेड एट 1.25 मीटर वाइडनिंग, धनबाद बिहार, Fe 250। क्वेश्चन थोड़ा सी लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है। इसकी वीडियो शायद आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और जो भी आपको नोट करना है नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो हमको जो कैपेसिटी दी हुई है लीटर में, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो 120 को। और सेकंड थिंग, साइज ऑफ प्री स्ट्रेस प्लेट इज ऑलवेज 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर, ये याद रख लो, कांस्टेंट रहेगी। और जो टैंक की हाइट होगी वो हाइट 2.5 मीटर आपको लेनी है। अगर क्वेश्चन में दी होगी तो ठीक है, अगर नहीं दी हुई तो 2.5 ही लेनी है, ठीक है। एज्यूम अ फ्री बोर्ड ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये भी फिक्स रहेगा आपका फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड बोलते किसको है, ये देखिए आपका स्टील टैंक है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट 2.5 मीटर की है और फ्री बोर्ड मतलब यहाँ तक के आपका पानी रहेगा। इसके ऊपर का जो इस खाली स्पेस है उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड, वो होगा आपका 15 सेंटीमीटर का। मैक्सिमम वाटर लेवल मतलब यहाँ तक आपका रहेगा, ठीक है। तो फ्री बोर्ड को हम माइनस कर देंगे 2.5 से, तो अवेलेबल कितना होगा 2.35 मीटर। स्टेप वाइज आप लिखते जाइए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये डायग्राम देख लो आप अच्छे से, ये डायग्राम बना लो और जिस तरह से बनाया हो सेम वैसी बनाना ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो। जो आपको रेड लाइन में दिख रहा है वो रेड लाइन में ही बनाना है, सॉरी रेड पेन से जो दिख रहा है, और जो ब्लैक पेन से दिख रहा है वो ब्लैक पेन से ही बनाना है। रेक्टेंगुलर प्री स्ट्रेस एलिवेटेड टैंक का जो भी क्वेश्चन आएगा सब में डायग्राम सेम ऐसा ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेन एरिया ऑफ टैंक। टैंक का प्लेन एरिया जो बॉटम का एरिया है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटी डिवाइड बाय हाइट, जो इसका मतलब हाइट है जो निकाले थे हम फ्री बोर्ड माइनस करके, तो ये आ गया 51.06 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया। लेकिन इसकी लेंथ और ब्रेथ हमको पता नहीं है, तो वो निकालने के लिए इसको अंडर रूट में कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट में कर देंगे, तो दोनों साइड सेम ही आएगी, 7.14 मीटर आ जाएगी। राउंड फिगर हम 7.5 इसको ले लें, ठीक है। हैंस प्रोवाइड साइज ऑफ टैंक, तो साइज की टैंक हमको पता चल गई है 7.5 टू 7.5 टू हाइट 2.5, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 140.625 मीटर क्यूब। अब आते हैं कैपेसिटी पे, इसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ गिवन डायमेंशन 7.5 इंटू जो पानी की हाइट है टोटल 2.35, ठीक है। मतलब इतना कैपेसिटी इस टैंक में आएगी, ठीक है। तो कितनी आ रही है, 132.1875 मीटर क्यूब। अब देखिए कैपेसिटी तो इतनी आ रही है, इतने के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया था, 120 मीटर क्यूब, इससे ज़्यादा आ रही है मतलब कि ये ठीक है, डिज़ाइन कर सकते हैं हम आगे। हैंस डायमेंशन ऑफ दिस टैंक इज करेक्ट, ठीक है। अब स्टेप टू पे आते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट। ये आपको IS कोड 840/1967 में मिलेगा, और कोड की वैसे ज़रूरत नहीं, खाली ये वैल्यू याद रख लो और कोड नंबर पेपर में लिख लेना। 6 mm थिकनेस इसकी ले लेना हमेशा। अब आते हैं स्टेप थ्री पे, डिज़ाइन ऑफ स्टेस। स्टेस इसको बोलते हैं जो प्लेट्स लगी होती है उसमें जो क्रॉस ये लगे होते हैं 45 डिग्री पे, इसको बोलते हैं स्टेस। एक तो होता है बॉटम स्टेस,
और एक होता है टॉप स्ट्रेस, ठीक है, इसको हमको डिजाइन करना है। एज शोन इन फिगर स्टेज आर मेड अप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन, ठीक है, रोल्ड स्टील सेक्शन से बना हुआ है। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेज सब्जेक्टेड टू टेंशन, ये थ्योरी पढ़ लेना। इसमें ये लिखा है कि एक बॉटम पे प्रोवाइड किया होता है, मिडल पे, और जो उस पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है, ईच यूनिट ऑफ प्लेट ऑफ हाइट 1.25 मीटर, मतलब ये 1.25 मीटर की हाइट पे उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है, ठीक है। वाटर प्रेशर एट 1.25 मीटर फ्रॉम टॉप। अब देखिए हमने स्टेज इधर स्टेज बना लिया इधर पे, ठीक है, ये 1. टोटल हाइट इसकी थी 2.5 मीटर की, तो 1.25 मीटर पे हमको बनाना है। तो हम अभी इस पर प्रेशर निकाल लेंगे कि इतने पे प्रेशर कितना आ रहा है और इस पर कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट वाला हम लेंगे तो पी 1.25 इंटू 1.25 इंटू 9.81, 9.81 क्या है, वाटर की, वाटर का यूनिट बैठा, ठीक है। तो ये हमारा पी वन आ गया 15.328 किलोन्यूटन पर मीटर। सेम इसी तरह से प्रेशर टू के लिए निकालेंगे हम प्लेट के लिए, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे क्योंकि ये पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक लेना है हाइट, तो 2.5 इंटू 1.5 इंटू 9.81, ठीक है, तो 30.66 किलोमीटर पर मीटर आ गया। अब टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन ईच यूनिट प्लेट, हर एक यूनिट प्लेट पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना। तो जैसे ऊपर वाला ट्रायंगल था ये, तो ट्रायंगल के एरिया से हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा पी वन आ गया। फिर पी टू का क्या करेंगे, हम टोटल ट्रायंगल और इतना ट्रायंगल हम माइनस कर देंगे ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ देखिए तो पी टू आ गया। अब प्रेशर हमारा एक कहाँ पे होगा, सी जी पे होगा, ठीक है। तो सी जी के लिए ट्रायंगल का तो पता है आपको एच बाई थ्री, तो एच बाई थ्री रख के ये वैल्यू आ गया 0.416। फिर पी टू के लिए निकालेंगे तो ट्रेपेज़ोइडल का फॉर्मूला होता है सी जी का, एच बाई थ्री 2a + b डिवाइड बाय a + b, यहाँ पर सारी वैल्यू रखे, ये हमारा ट्रेपेज़ोइडल का आ गया, ठीक है। अब देखिए पीछे वो डायग्राम बना था उसको मैं स्प्लिट करते हूँ दो पार्ट में। तो जो ट्रायंगल का था 0.416 cg से इस पर प्रेशर लग रहा था 9.58 का, ठीक है, और यहाँ पर 0.555 से प्रेशर लग रहा था। तो हम अब रिएक्शन निकालेंगे, सबसे पहले ऊपर का निकालते हैं R1 इंटू इसकी टोटल हाइट 1.25 इक्वल टू 9.58 इंटू 0.416, ये देखिए तो यहाँ पे 3.18 किलोमीटर आ गया। अब इसी तरह से R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 माइनस R1 कर देंगे तो हमारा R2 आ जाएगा, ये देखिए। सेम इसी तरह से ट्रेपेज़ोइडल के लिए भी निकाल लेंगे, R2 इंटू हाइट, इसको मैं R2 डैश बोल दिया क्योंकि ऊपर भी R2 था, तो R2 डैश बोल दिया, R2 डैश इंटू हाइट, फिर 28.74 इंटू 0.555, ठीक है, इससे अपना R2 डैश निकल गया। सेम इसी तरह से R3 का भी करेंगे हम, R3 के लिए क्या करेंगे, P2 माइनस R2 डैश करेंगे, ठीक है। अब R2 और R2 डैश दोनों एक ही पे एक्ट कर रहे हैं दोनों फोर्स, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 19.15 आ गया। इसको हम बोल देंगे R2 डबल डैश, ठीक है, यहाँ पे हम सारी R की वैल्यू लिख लिए। अब आगे चलते
अब हमारे को क्या निकालना है, फोर्स एट टॉप स्टे, मतलब यहाँ पे फोर्स निकालना है हमको, ठीक है। टॉप स्टे पे फोर्स निकालना कितना आ रहा है, फिर ये बॉटम स्टे पे निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपोजिट अपना आर वन है डिवाइड बाय एफ वन, यहाँ पर वैल्यू लगेंगे साइन 45 की, तो अपना एफ वन निकल जाएगा। सेम इसी तरह से एफ टू निकाल लोगे, ठीक है। अब अलाउबल टेंशन स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन, सिग्मा एस टी का फॉर्मूला है 0.6 एफ वाई इंटू 0.8, खाली एफ वाई की वैल्यू इधर रखना है। ये सिग्मा एस टी आपका आ जाएगा 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब स्ट्रेस का एरिया निकालना है हमारे को, तो एरिया इक्वल टू फोर्स वन डिवाइड बाय सिग्मा एस टी, क्योंकि स्टे वन का एरिया निकाल रहे तो एफ वन लेंगे इधर भी, और सिग्मा एस टी निकाले हुए हमने, तो यहाँ से अपना ए वन निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए टू भी निकाल लेंगे। अब ये थ्योरी देख लो, थ्योरी में क्या लिखा है, द टैंक इज डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन 7 लॉन्जिट्यूडनल बीम एल वन टू एल सेवन, मतलब टैंक जो सपोर्ट है 7 बीम पे सपोर्टेड है, और जो 7 बीम सपोर्ट है वो किस पे, 2 क्रॉस बीम पे सपोर्ट है, ठीक है। अभी मैं ये 7 बीम का तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये जो क्रॉस बीम है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना। द लॉन्जिट्यूडनल बीम रेजेस द वेट ऑफ वाटर इन द टैंक एंड वेट ऑफ टैंक एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन स्ट्रेस, ठीक है। जो लॉन्जिट्यूडनल बीम है वो पानी का वेट रेसिस्ट करेगी, टैंक का करेगी, और वर्टिकल कंपोनेंट जो भी फोर्स आएंगे उसका, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं जी। अब हमारे को सबसे पहले तो वेट निकालना है, वेट ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया इंक्लूडिंग फ्री बोट, मतलब फ्री बोट के साथ में पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो हाइट हमको पता है 2.5 है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर पता है, और 1:1 ये यूनिट एरिया है, ठीक है। तो वेट हमारा आ गया 24.52 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वेट ऑफ बॉटम प्लेट पर यूनिट एरिया, तो बॉटम प्लेट हमारे को पता है 6 mm की थी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो है 78.5 ये स्टील का यूनिट वेट है, ठीक है। और डिवाइड बाय यूनिट एरिया, मतलब कि ये जो बॉटम में जो हमारी प्लेट बिछी हुई है उसका ये अपन वेट निकाल रहे टोटल, तो पर मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया अपना, और ये वेट आ गया 0.471 का। अब इसको और इसको दोनों को प्लस कर दो, टोटल वेट आ जाएगा। अब हमारा वाटर का और प्लेट का दोनों का वेट आ गया, ठीक है। अब एक वेट बचा है, बताता हूँ किसका, डिज़ाइन ऑफ इंटरमीडिएट बीम L3 L5, मतलब L3 और L5 डिज़ाइन करना है हमको। अब देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो हमारी L3 बीम रहेगी ना सेम L5 रहेगी, ठीक है, और जो L2 रहेगी सेम L6 रहेगी इंटरमीडिएट बीम, और L1 जो रहेगी L7 वही रहेगी, और एक L4 निकल जाएगी, ठीक है। तो हम टोटल कितनी बीम डिज़ाइन करेंगे अभी, मतलब कितने के लिए निकालेंगे, एक L2 और L3, L4 और L1 के लिए निकालेंगे, बाकी तीन का तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। डिज़ाइन इंटरमीडिएट बीम L3 एंड L5 लोड मेक इट UDL पर मीटर ड्यू टू वाटर एंड बॉटम प्लेट। अब देखिए इधर 1.25 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये बीम डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बीम पे आधा इसका वेट आएगा, आधा इस साइड का आएगा, तो ये 1.25 का आधा और ये 1.25 का आधा ले लिया, ठीक है। तो ये 1.25 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया,
तो टोटल वेट मेरा आ गया 31.245 किलोमीटर पर मीटर। अब इसमें मेरा कुछ वेट उसका भी होगा बीम का, तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं बीम का वेट कि अब सपोज करो ये देखो 31.245 है, तो इसको टोटल राउंड फिगर में 32 कर दिया, तो 32 माइनस इतना वेट करूँगा ना तो ये बच जाएगा हमारा 0.755। तो ये हम एज्यूम करेंगे कि बीम का वेट है। अगर ये 33 पॉइंट समथिंग होता तो उसको 34 से माइनस कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल वेट बना दिया मैं इसको, 32 आ जाएगा, तो हमारा टोटल आ गया 32 किलोन्यूटन पर मीटर, ये यूडीएल हमारा आ गया, ठीक है। नाउ वेट फॉर वेट फ्रॉम द साइड प्लेट्स। अब जो साइड प्लेट होती है उसका वेट निकालना है हमारे को, ठीक है। तो 1.25 इंटू हाइट इंटू जिसकी जितनी थिकनेस है उसकी 6 mm और उसका स्टील का यूनिट वेट, ये सारे का कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 1.47 किलोमीटर ये हमारा आ गया साइड प्लेट का वेट आ गया। अब ये डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले कैसे करना है। यहाँ पर ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन किस चीज़ की है उस आपको समझ में आएगी। अब मैं निकाल रहा हूँ L3 के लिए, ठीक है। तो एकदम इजी है, यहाँ पर देखो कॉर्नर पे जो प्लेट्स है साइड प्लेट, यहाँ पर सब पे एक लोड आएगा 1.47 का, जो कि वेट पे कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो 1.7 इधर लिख लेंगे पहले से, 1.47, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पर दो लोड आ रहा है, ठीक है। एक तो आ रहा है ब्लैक वाला जिसको बोलते हैं हम V2 और एक रेड जिसको बोलते हैं V1, ठीक है। इस वाले को मैं नाम दे दिया V1, इस वाले को दे दिया V2। तो यहाँ पर दो एंड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो बना दूंगा, एक तो V1 बना दूंगा, एक बना दूंगा V2, ठीक है। और कभी भी याद रखना ये L3, L2, L4, L5, L6, इसके लिए हमेशा जो एंड होगा ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और मिडल का जितना भी होगा सारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा एंड है तो एंड में हमारा जाएगा नीचे, और अभी बाकी बीच में जितना भी आएगा सारा ऊपर जाएगा, और यहाँ पे एंड जो आएगा वहाँ पर भी नीचे एयर हो जाएगा। और L1 जब डिज़ाइन करेंगे ना तो L1 के लिए सारा के सारा नीचे जाएगा, ये याद रखना, कन्फ्यूज ना होना। अब देखिए यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल हुआ 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे मैं ट्रैवल किया। तो यहाँ पर देखो एक तो V2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे रेड भी आ रहा है, लेकिन रेड है ना आगे कंटिन्यू जा रहा है, इधर पे एंड नहीं हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, उसको काउंट नहीं करेंगे, जो एंड हो जाएगा ना उसको काउंट करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे एक ही आ रहा है अपना, तो ऊपर एरो V2, ठीक है। इसी तरह से आगे और ट्रेवल करेंगे 1.25 तक, देखो यहाँ पे रेड लाइन पे ये देखो यहाँ पर दो आ रहा है, एक तो वर्टिकल आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है, और दोनों एंड हो रहे हैं घर पे ना, और दोनों रेड है मतलब V1 है। तो मैं यहाँ पे V1 बना दिया, ठीक है। इसी तरह से अब वापस नीचे तक आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, ये खाली छोड़ दिया। अब ये तो मिडल था अपना, मिडल पे खाली छोड़ दिया। अब मिडल के बाद जो भी रहेगा सेम रहेगा, जो यहाँ पर आया था वो यहाँ पर आएगा,
तो यहाँ पर मैं बना दिया, चेक कर लेना आप सेम ही आएगा, वैसे डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी, वी टू और ये वी वन वी टू, ठीक है। ये हमारा एल थ्री और एल सेवन के लिए डिज़ाइन हो गया, मतलब इसका भी हम निकालेंगे रिएक्शन। एक तो हम इसका रिएक्शन निकालेंगे, फिर इसका मोमेंट एट सपोर्ट निकालेंगे, सपोर्ट मतलब यहाँ पर आर ए और आर बी निकालेंगे, ठीक है। और फिर एक मोमेंट निकालेंगे जो कि मिडल पे निकालेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको बीम बनाना सिखा देता हूँ कि कैसे बनाते, ठीक है। अब एल टू के लिए डिज़ाइन करना है हमको, एल टू के लिए, तो इसके लिए चलो आप बताओ कैसे होगा। वीडियो पॉज करना और सोचना कैसे होगा, और देखना आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बना दिया, चलो इसमें बना दिया, ये देखिए V2 यहाँ पे एक था, ठीक है, यहाँ पर एक था, तो एक मैं वहाँ पे एक लिया। फिर 1.25 के डिस्टेंस पे V2 दो आ रहे हैं, देखो एक यहाँ पे एंड हो रहा है, एक यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो मेरा V2 यहाँ पे दो आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर V2 एक आ गया, और V1 तो कंटिन्यू जा रहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक V2 आ रहा है, ये देखो बराबर है। इसी तरह से आगे का सेम रहेगा, आगे का चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे UDL बना देना, 32 किलोन्यूटन जो हमने निकाले थे, किलोन्यूटन पर मीटर, और साइड में 1.47 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया, अब मिडल का तो आप निकाल ही लोगे, ये मिडल वाले का बना हुआ है, देख लो एक बार। अब एक एंड का बता देता हूँ आपको, एंड में थोड़ा सी चेंजेस है, जो यहाँ पर देखो सारा के सारा नीचे जा रहा है। ये एल वन और एल सेवन के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसमें सारा के सारा नीचे जाएगा, और इसमें ये भी चेंज होगा और यूडीएल भी चेंज होगा। वो क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले इसका आप रिएक्शन निकाल लो। रिएक्शन तो निकाल लोगे, देखो इधर मैं वैल्यू चेक कर लेना बाद में निकाल के। उसी तरह से मैं मोमेंट निकाल लूँगा इसका सपोर्ट पे, मतलब आर ए पे एक साइड से ले लिया, ये साइड से मैं मोमेंट निकाल लिया, इस साइड से मोमेंट निकाल लिया, या तो इस साइड से निकाल लिया की बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद मोमेंट एट सेंटर, सेंटर पर निकाल लूँगा, इस सेंटर पर निकाल लूँगा, ठीक है, या तो इस साइड से या तो इस साइड से, तो ये हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इस बीम के लिए भी निकालूंगा, ठीक है। इसी तरह से सेम ये बीम के लिए भी निकालूंगा, वैल्यू लिख लो आप, नोट कर लो चाहिए तो। स्कूल जा रहा हूँ तो स्लो करके देख लेना स्लो मोशन में। अब देखिए L1 और L7 के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं लोड को मल्टीप्लाई 1.5 नहीं किया, 1.5 डिवाइड बाई 2 किया हूँ। ऐसे क्यों किया हूँ मैं, क्योंकि L1 पे देखिए लेंथ एक ही जगह से काउंट होगी ना, ये देखिए यहाँ पर हाफ काउंट हो रहा है मेरा, ठीक है, ये साइड तो कुछ है नहीं, इसलिए ये 1.5 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब लोड फ्रॉम वर्टिकल प्लेट्स, अब जो वर्टिकल प्लेट्स का लोड है वो इस पर आएगा, मतलब वर्टिकल प्लेट्स ये कॉर्नर का है, ठीक है, कॉर्नर का जितना भी वर्टिकल प्लेट्स होगी सारे का लोड इसके ऊपर आएगा। तो 2.5 प्लेट की हाइट हो गई और 6 थिकनेस हो गई और 78.5 स्टील की यूनिट वेट, ठीक है। तो ये हमारा 1.178 किलोमीटर पर मीटर आ गया। अब सेल्फ वेट ऑफ गर्डर बीम का जो वेट होगा 0.755 पीछे हमने किए थे वो करके टोटल प्लस कर दिए तीनों को, 17.55 हो गया, ये हमारा यूडीएल हो गया, ठीक है। अब
यहाँ पर 0.73 किलोन्यूटन का क्यों मैं लगा रहा हूँ स्टील प्लेट का लोड, क्योंकि 1.47 डिवाइड बाय 2 होगा, जैसे कि मैं बोला कि एक ही साइड से हो रहा है ना, एक ही यहाँ पे जब मिडल में लग रहा था तो दोनों साइड का लोड आ रहा था इस पर, अब यहाँ पर है तो एक ही साइड से आ रहा है तो डिवाइड बाई टू कर दिया, तो यहाँ पर हमारा इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। सेम इसका भी आर ए और आर बी निकाल लेंगे, मोमेंट सपोर्ट निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक निकालने के बाद हमको क्या करना है, जो मोमेंट हम निकाले हैं जो सबसे मैक्सिमम है उसकी वैल्यू लेना है, ठीक है। और ये जेड का फॉर्मूला दिख रहा है, जेड इक्वल टू एम मैक्स डिवाइड बाई 0.66 एफ वाई। एम मैक्स में हम जो मोमेंट मैक्सिमम आएगा, भले माइनस की साइन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में मैक्सिमम जो भी होगा वो ले लेना, लेकिन माइनस की साइन मत लेना इधर पे। डिवाइड बाय 0.66 इंटू 250, तो ये हमारा जेड निकल गया। अब इससे हम क्या करेंगे, सेक्शन निकालेंगे, आईएस कोड 800 2007 पेज नंबर 138, ये चेक कर लेना और सेक्शन निकाल लेना, ठीक है। जेड की वैल्यू चेक कर लेना और या तो इतना या तो इससे जो जो ज़्यादा रहेगा जेड वो ले लेना, मेरा देखो ये आया था, तो यहाँ से मैं सारी इसकी वैल्यू लिख लिया। अब इसके आगे मेरे को करना क्या है, जो मैं आपको बताया था क्रॉस सेक्शन बीम C1 और C2 निकालना था, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अगर ये वीडियो देखते हो अच्छे से देखो, वीडियो कमेंट करो, कमेंट करके आप डिमांड करो कि जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसकी। तब तक के लिए बाय, शब्बत है।